बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर आलिया अब्दुल जैदी ऑफ डेटाबेस सिस्टम विद लेक्चर नंबर 14। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ईआर टू रिलेशनल मैपिंग। सेवन स्टेप प्रोसेसेस को हमने डिस्कस किया, जिसमें रेगुलर एंटिटीज़, वीक एंटिटीज़, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, एन अरेज, मल्टी वैल्यूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स को हमने मैप किया, हमने बहुत अच्छे से देखा। स्टूडेंट्स, ईआर रिलेशनल मैपिंग के बाद हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, एनोमलीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन को हम थोड़ा सा देखेंगे, हम बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का पर्पस देखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, हम इसमें डाटा रिडंडेंसी को देखेंगे, डाटाबेस एनोमलीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस एनोमलीज, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इन्फ्रेंस रूल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट स्टार्ट नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट्स, इफ डाटाबेस डिज़ाइन इज़ नॉट परफेक्ट, इट मे कंटेन एनोमलीज। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डाटाबेस डिज़ाइन पर्पस इज टू प्रोड्यूस एन एनोमली फ्री डिज़ाइन। हमने एक ऐसा डाटाबेस डिज़ाइन क्रिएट करना है जो एरर्स, मिस्टेक्स, एनोमलीज से बिल्कुल क्लियर हो। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, इस स्टेप बाय स्टेप को हम फॉर्म्स बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, देर आर फोर टाइप्स ऑफ एनोमलीज विच आर ऑफ कंसर्न, रिडंडेंसी, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट नॉर्मलाइजेशन मस्ट बी डन, बिकॉज नॉर्मलाइज्ड डिज़ाइन मेक्स द मेंटेनेंस ऑफ डाटाबेस मच ईजियर। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स और लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, लाइक इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। स्टूडेंट, ईच नॉर्मलाइजेशन हैज़ सर्टन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस विच मस्ट बी फुलफिल्ड। इफ़ अ टेबल और रिलेशन फुलफिल्स एनी पर्टिकुलर फॉर्म, देन इट इज़ सेड टू बी इन द नॉर्मल फॉर्म। हमने उन एनोमलीज को रिमूव करके उसको एक नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेटाबेस एनोमलीज। इफ अ डेटाबेस डिज़ाइन इज नॉट परफेक्ट, इट मे कंटेन एनोमलीज विच आर लाइक अ बैड ड्रीम फॉर एनी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजिंग अ डेटाबेस विद एनोमलीज इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एन इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट और इनकोरेक्ट स्टेट ऑफ डाटाबेस। फोर टाइप्स ऑफ एनोमलीज, रिडंडेंसी, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली। व्हाट इज रिडंडेंसी? स्टूडेंट्स, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन इन सेवरल फाइल्स। डाटा रिडंडेंसी इज अ कंडीशन क्रिएटेड विद इन अ डाटाबेस और डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन विच द सेम पीस ऑफ डाटा इज हेल्ड इन टू सेपरेट प्लेसेस। लुक एट दिस एग्जाम्पल, अ रिलेशन स्टाफ, अनदर रिलेशन ब्रांच, अनदर रिलेशन स्टाफ ब्रांच। देर इज एट्रीब्यूट ऑफ स्टाफ, स्टाफ नंबर, स्टाफ नेम, पोजिशन, सैलरी, ब्रांच नंबर। ब्रांच में ब्रांच नंबर एंड ब्रांच एड्रेस। इसी तरह स्टाफ ब्रांच में स्टाफ नंबर, स्टाफ का नेम, पोजिशन, सैलरी, ब्रांच, ब्रांच नंबर और ब्रांच एड्रेस। और प्राइमरी कीज़ आपको अंडरलाइन शो हो रही हैं।
तो स्टूडेंट रिडंडेंसी कहाँ हो रही है? यू कैन सी स्टाफ नंबर बार बार ब्रांच में भी आ रहा है, स्टाफ नंबर ब्रांच में भी आ रहा है, ब्रांच नंबर स्टाफ रिलेशन में भी है, ब्रांच में भी है, स्टाफ ब्रांच में भी है. दिस इज रिडंडेंसी, बार बार डुप्लीकेट डाटा हो रहा है. शो इन दिस रिलेशन लाइक स्टाफ नंबर, स्टाफ नेम, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर. अब आप इसी ब्रांच नंबर को दोबारा देखें कि ब्रांच नंबर ब्रांच में भी आपको नज़र आ रहा है, ब्रांच नंबर स्टाफ में भी आपको नज़र आ रहा है. दिस इज रिडंडेंसी. इन स्टाफ ब्रांच रिलेशन देयर इज रिडंडेंट डाटा. ब्रांच एड्रेस इज रिपीटेड फॉर एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ लोकेटेड एट दैट ब्रांच. इन कॉन्स्टेंट द ब्रांच डिटेल अपीयर्स ओनली वंस फॉर ईच ब्रांच इन द ब्रांच रिलेशन एंड ओनली द ब्रांच नंबर इज रिपीटेड इन द स्टाफ रिलेशन. इंसर्शन एनोमली. We try to insert data in a record that does not exist at all. Consider this relation. Employee project is a relation that have attribute social security number, project number, hours, employee name, project name and project ki location. So insert इनॉमली क्या चीज़ होगी फॉर अ न्यू एम्प्लॉई? आप किस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे? यू हैव टू असाइन नल टू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर एक न्यू एम्प्लॉई ऐड होता है तो उसको भी प्रोजेक्ट तो अलॉट नहीं हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट उसके पास अभी नहीं है. तो क्या प्रोजेक्ट नेम के अंदर आप या प्रोजेक्ट नंबर के अंदर जो है वो नल शो करेंगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल. So insertion anomaly cannot insert a project unless an employee is assigned to its project. So what is deletion anomaly? We tried to delete a record but parts of it was left undeleted because of unawareness. The data is also saved somewhere else. प्रॉपरली डिलीट नहीं हो सकता डाटा. हम एक साइड से डाटा डिलीट करना चाहते हैं लेकिन डाटा फुली तौर पे डिलीट नहीं हो पा रहा. लाइक यही एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रिलेशन है, एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट माइग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने कोई एक एट्रीब्यूट को डिलीट करना है. If we delete the employee department, an employee tuple that happens to represent the last employee, एक रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है, the information containing that department is lost from the database. Updation anomaly. Students, if data items आर स्कैटर्ड एंड आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर प्रॉपरली देन इट कुड लीड टू स्ट्रेंज सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल वेन वी ट्राई टू अपडेट वन डाटा आइटम हैविंग इट्स कॉपीज स्कैटर्ड ओवर सेवरल प्लेसेज, अ फ्यू इंस्टेंसेज गेट अपडेटेड प्रॉपरली वाइल अ फ्यू अदर्स आर लेफ्ट विद ओल्ड वैल्यूज. Such instances leave the database in an inconsistent state. Eliminating update anomalies mainly through eliminating redundancies through functional dependencies. Consider the relation employee department, the same relation we discussed in the relation deletion anomaly. Now we have to modify. If we change the value of the manager of department 5, department manager last attribute of this relation, we must update the tuples of all employees who work in the department. अगर आप department manager का social security number change करें, department manager change हो गया तो उसके employees भी फिर change हो जाएंगे, तो it will impossible.
So students, let's see the functional dependency in normalization. फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली है क्या चीज़ स्टूडेंट्स? इसको हम एफ टी भी बोलते हैं. इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन. फंक्शनल डिपेंडेंसी सेज दैट इफ टू ट्यूपल्स हैव सेम वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स ए वन ए टू ए थ्री टू ए एन देन दोज टू ट्यूपल्स मस्ट हैव टू हैव सेम वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट बी वन बी टू बी थ्री सो बी एन. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो साइन दैट इज एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई वेयर एक्स फंक्शनली डिटरमिन्स वाई. द लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट डिटरमिन्स द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन द राइट हैंड साइड. यू कैन सी इन दिस स्लाइड फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स. If A and B are attributes or sets of attributes of relation R, we say that B is functionally dependent on A if each value of A in R has associated with it exactly one value of B in R. Like students, you can see A1 and B1. An attribute A is functionally dependent on attribute B. If given a value b, for b there is one and only one corresponding value of a for a at a time. A is functionally dependent on b. A1 is functionally dependent on b2. A is functionally dependent on b3. I think it's स्केच से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुकी होगी. फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स, अब भी मैंने जैसे बताया कि हम इसको एरो से शो करते हैं. एक्स फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन वाई होल्ड्स इफ वेन एवर टू ट्यूपल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वैल्यू फॉर एक्स दे मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ वाई. एम्प्लॉय रिलेशन में एम्प्लॉय नेम सोशल सिक्योरिटी नंबर बर्थ डेट एंड एड्रेस. सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारे पास प्राइमरी की है. एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर है. इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी नंबर पे एम्प्लॉय नेम भी डिपेंड कर रहा है, बर्थ डेट भी डिपेंड कर रही है एंड एड्रेस भी डिपेंड कर रहा है. फर्दर आप देख सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नंबर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स उस पर डिपेंड करें. सो दे ऑल आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी नंबर. व्हाट इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी? एन एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट एक्स इफ इट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स not functionally dependent on any proper subset of x. employee address has a functional dependency on employee id or is case jo skill hai, but not a full functional dependency because it is also dependent on employee id. students, employee ka address jo hai wo employee ki id pe to depend kar raha hai but uske skill pe fully skill pe depend nahi karega. तमाम एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड नहीं करेगा. एम्प्लॉई आईडी जो है, एम्प्लॉई नेम एम्प्लॉई आईडी पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉई एड्रेस एम्प्लॉई आईडी पे डिपेंड करेगा, बट स्किल तो आईडी पे डिपेंड नहीं करेगी. स्किल तो किसी की भी हो सकती है. एक स्किल एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की हो सकती है. सो बट नॉट अ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई आई डी. इवन बाय द रिमूवल ऑफ स्किल फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टिल होल्ड्स बिटवीन एम्प्लॉई एड्रेस एंड एम्प्लॉई आई डी. स्टूडेंट्स, अनदर टर्म यूज इन डिपेंडेंसी इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज एन इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी. वन इज इन विच एक्स is functionally dependent on z and by virtue of x is functionally dependent on y and y is functionally dependent on z.
स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जहां जिक्र होगा, इट मींस थ्री रिलेशंस. थ्री रिलेशंस मीन एक्स जी पे डिपेंड कर रहा है, जी वाई पे डिपेंड कर रहा है, और आप कह सकते हैं कि एक्स वाई और जी देयर आर थ्री वेरिएबल्स. एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई एंड वाई इज डिपेंडेंट ऑन जी. सो थ्री डिपेंडेंसीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज. और नॉर्मलाइजेशन में हमें ये बार बार मिलेगा, कहीं एक जो एट्रीब्यूट है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, और समटाइम ऐसा होगा कि दूसरा एट्रीब्यूट जब तीसरे पे डिपेंड करेगा, तो दिस इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. वी हैव टू रिमूव दीज डिपेंडेंसीज. यही नॉर्मलाइजेशन है कि हमने जो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं उनको रिमूव करना है. सो हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स, इफ यू नो अ कस्टमर आईडी, देन यू नो द पर्सन्स नेम एंड एड्रेस. If you know a stock identifier, then you know its current price and most recent dividend. Finally, for any pairing of a customer ID and a stock identifier, you know how many shares that person owns of that stock. This is normalization. Students, आज का lecture conclude कर लेते हैं. हमने आज के सारे lecture में नॉर्मलाइजेशन का पर्पस देखा कि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है, हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं. नॉर्मलाइजेशन को हमने देखा कि इट इज़ अ मेथड टू रिमूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोमलीज एंड ब्रिंग द डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट. इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन में हमने देखा कि If a database design is not perfect, it may contain anomalies which are like a bad dream for any database administrator. So, हम इन anomalies को manage करने के लिए different types of anomalies जो हैं वो हमने study की हैं. Like हमने insert anomaly देखा कि insert anomaly जब हम कोई attribute insert करते हैं या record को insert करते हैं तो वो फिट नहीं होता उस टेबल में, दिस इज़ इंसर्ट एनोमली. सेकेंडली हमने डिलीशन एनोमलीज को देखा कि व्हेन वी ट्राइड टू डिलीट अ रिकॉर्ड बट पार्ट्स ऑफ इट वाज लेफ्ट अनडिलीटेड बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस. इसी तरह हमने थर्ड एनोमली को देखा, दैट इज़ अपडेट एनोमली. In this anomaly, if data items are scattered and are not linked to each other properly, then it could leads to strange situations. For example, when we try to update one data item having its copies scattered over several places, a few instances get updated properly while a few others are left with old values. And the fourth anomaly was data redundancy. हमने देखा कि डाटा रिडंडेंसी क्या है, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स आर एडेड इन रिलेटेड रिलेशंस, दिस इज रिडंडेंसी. और फ्रेंड्स, रिडंडेंसी हमारी मेमोरी भी कंज्यूम कर रही है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है. तीन या चार टेबल्स हमने देखे, तीन या चार रिलेशंस लाइक हमने देखे, उन तमाम में एक ही एट्रीब्यूट बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज डाटा रिडंडेंसी. स्टूडेंट्स, हमने डाटाबेस रिडंडेंसी को देखा, डाटाबेस एनोमलीज को हमने अच्छे से रीड किया, और लास्ट में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखा कि एक्चुअली फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या और ये काम किस तरह से करती है. मींस हमने देखा कि दिस इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, और हमने इसमें एक स्केच देखा कि ए इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन बी एंड बी इज ए इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन बी टू. स्टूडेंट्स, लास्ट पे हमने टॉपिक देखा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, दिस इज रिलेटेड टू फंक्शनल डिपेंडेंसी. एक्चुअली तो फंक्शनली डिपेंडेंट है, बट जैसे हमने उसमें देखा कि इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, एक्स इज डिपेंडेंट ऑन
why, but in transitive dependency there is more than two relations, three relations. X is dependent on Z and Z is dependent on Y. सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी द बेसिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे. थैंक यू.